हेलो फ्रेंड्स, आज हम भरता बाटी बनाने वाले हैं, लेकिन ये भरता बाटी गांव में चूल्हे पे बन रहे हैं उपले के साथ, जो उपले होते हैं उन पे बनाने वाले हैं। तो ये देसी स्टाइल की रेसिपी हम देख लेते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यहाँ पे भरता बनाने के लिए 8 से 10 बैंगन ले लिए हैं। ये घर में लगे थे बैंगन, इसलिए ये जो अभी घर में लॉन्ग वाले बैंगन लगे थे तो वो लिए हैं, अदरवाइज़ जो गोल वाले होते हैं वो लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगीठी लगा लेते हैं। अगीठी मतलब जो उपले होते हैं उनको छोटा छोटा तोड़ लेते हैं और इस तरीके से रखते जाते हैं, अगीठी लगाते हैं। जब ये अगीठी अच्छे से हो जाएगी तब हम इसमें मीन्स ये बैंगन डाल देते हैं और बाटी डाल देते हैं। तो देखिए अगीठी जल रही है, इसको जलने में 2-5 मिनट लगेंगे अच्छे से पूरे उपले जलने में। इसको कंडे भी बोलते हैं। जब कंडे अच्छे से जल जाएंगे तो एक साइड जल गए हैं तो हमने पलट दिए हैं, अब दूसरी साइड भी अच्छे से जल जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें बैंगन डालेंगे। तो यहाँ पे जल गए थे तो बैंगन डाल दिए और टमाटर डाल दिए, इनको अच्छे से कवर कर दिया है। तो 5 मिनट इनको एक बार ऐसे कवर कर दिया, फिर इसको मीन्स उठा के एक बार फिर से पलट देंगे, फिर से कवर कर देंगे तो 10 मिनट में ये अच्छे से भुन जाएंगे। भुनना बोलते हैं ना, आग में जो सिकता है उसको भुनना बोलते हैं, तो अच्छे से भुन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कवर कर दिए हैं। तो ये जो मीन्स उपले पे मीन्स उपले में कंडों के साथ ये जो भरता बाटी बनते हैं, इनका टेस्ट कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो देखिए आटा गूंथ लिया है और इस तरीके से एक जैसी लोई बना लेंगे और गोल गोल इस तरीके से हाथ से करते हुए बाटी बना लेंगे। एक साथ बाटी बना के रख लेंगे, जब तक हमारी अगीठी हो रही है जब तक बाटी बन के तैयार हो जाएंगी, मीन्स गोल गोल बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बाटी बन के मीन्स सॉरी यहाँ पर अंगीठी अच्छे से हो गई है, तो हम क्या करेंगे बाटी एक एक करके इस पर डाल देंगे। तो अभी क्या है, आँच बहुत ही तेज़ है ना, तो आपको क्या करना है कि बाटी जैसे ही डालोगे तुरंत उसको पलटना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो जल जाएगी, क्योंकि आँच बहुत तेज़ है। आप देख सकते हो कितनी तेज़ आँच दिख रही है, आग दिख रही है। तो ऐसे डालते हुए फिर डाल दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद तुरंत पलट दीजिए। तो धीरे धीरे इस कंडों की आँच उपले की आँच कम होती जाती है और मीन्स अच्छे से सिकते जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से पलट दीजिए, फिर अभी तुरंत पलट रहे, फिर इसके बाद जब आँच थोड़ी कम हो जाएगी ना, 2-2 मिनट में पलट दीजिए। तो 3-4 बार मीन्स पलटेंगे तो बाटी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब तक यहाँ पे ये बैंगन और टमाटर हो गए थे तो इनको हम निकाल लेंगे और इनके छिलके निकाल लेंगे, और इनको अच्छे से वॉश करके छिलके निकाल के इनके अंदर का गूदा निकाल लेंगे। तो बाटी यहाँ पे फिर से पलट दी है, अब आँच जो है वो काफ़ी कम हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, सारी बाटी को आप थाली में ले लीजिए और इस तरीके से चमेटे के हेल्प से इन जो ये जो कंडे हैं उपले हैं इनको थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिए, और अगर लग रहा है कि आँच ज़्यादा कम हो गई है तो जो हाथ वाला पंखा होता है उससे थोड़ा कर दीजिए, अदरवाइज आप फूंक भी सकते हैं, तो उससे क्या होगा आँच थोड़ा तेज़ हो जाएगी। फिर आप फिर से दोबारा बाटी डाल दीजिए, तो आप फिर से दोबारा बाटी डाल दीजिए और इसको थोड़ा सा एक दो बार पलटते हुए सेक लीजिए। बाटी इसमें जो बाटी बनती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। हम लोग क्या गैस पे क्या ओवन में बनाते हैं या फिर माइक्रोवेव में बनाते हैं तो उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है जितना कि ये जो चूल्हे पे बनी हुई बाटी का टेस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे बैगन को वॉश करके उनको पील कर लिया और उनके अंदर का गूदा निकाल लिया। अब ये बैगन क्या घर में लगे थे लंबे वाले बैगन, तो इसलिए हाँ लंबे वाले बैगन ही डाल दिए थे भरते बनाने के लिए, अदरवाइज़ जो गोल वाले होते हैं ना आधा आधा एक एक केजी वाले उनको डालते हैं, बट फिलहाल घर में यही अवेलेबल थे तो यही डाल दिए। तो इस तरीके से आप उनको पील कर लीजिए और उनके अंदर का गूदा निकाल लीजिए। तो ये तो हो गया भरता की बात, अब हम बाटी की ओर चलते हैं। तो बाटी को फिर से पलटते हुए एक दो बार पलट देंगे और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाटी अच्छे से फट गई है। अब इन बाटियों में क्या थोड़ी सी राख लगी होती है ना, तो इस तरीके से आप कपड़े से अच्छे से चटक लीजिए सारा उनकी सारा उनके ऊपर जो राख है वो निकाल दीजिए और बस गर्मा गर्म बाटी में अच्छा घी लगाइए और सर्व कर लीजिए। तो यहाँ पे बाटी बिल्कुल बन के तैयार हो गई हैं। तो आप ये बाटी ज़रूर ट्राई कीजिए, ये देसी स्टाइल बाटी ना, इनका स्वाद जो होता है जो हम लोग मीन्स ओवन में बनाते हैं माइक्रोवेव में बनाते हैं उन बाटियों से इन बाटियों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए अब हम भरते की ओर चलते हैं। तो भरते में एक दो हरी मिर्ची बारीक कट करके डाल देंगे, आप चाहो तो ऐसे वेजिटेबल चॉपर से कर सकते हो, अदरवाइज़ नाइफ से कर लीजिए, चाकू से बारीक चॉप कर लीजिए और भरते में डाल दीजिए।
तो यहाँ पे हमने हरी मिर्ची डाल दी है। अब थोड़ा सा नमक, यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और जस्ट थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रहे हैं। धनिया पाउडर मीन्स अगर वो जो हरे धना होते हैं ना, जो हरे धना लगे रहते हैं उस समय धनिया में, वो डालेंगे तो टेस्ट मतलब वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है, बट फिलहाल नहीं थे तो ये पिसी हुई मीन्स कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर डाल दिया। तो यहाँ पे भरता भी तैयार हो गया, बाटी भी तैयार हो गया। देसी स्टाइल भरता बाटी को मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ, आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, ये रेसिपी इन्जॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, मुझे इससे सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।